उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इनकम टैक्स अधिकारी के शव को परिवार ने 1.5 साल तक ना सिर्फ अपने घर में रखा बल्कि पूरा परिवार उसके साथ सो भी रहा था। परिवार ने लोगों को बताया था कि आयकर अधिकारी कोमा में है। हालांकि सच्चाई यह है कि अस्पताल ने 1.5 साल पहले ही उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, हड़कंप मच गया। घर में 1.5 साल से शव होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शव को मम्मी की तरह बनाकर कपड़ों में कसकर लपेटा गया था, जिसके बाद 1.5 साल तक पर पूरा परिवार उनके साथ जी रहा था। जानकारी के मुताबिक रोशन नगर निवासी विमलेश कुमार इनकम टैक्स में कार्यरत थे। उन्हें अप्रैल 2021 में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी उनके परिवार वालों को दे दिया गया था। शव को घर ले जाने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी और इसी दौरान अचानक परिजनों ने यह कहकर अंतिम संस्कार स्थगित कर दिया कि मृतक को होश आ गया है। इसके बाद करीब 1.5 साल से मृतक का शव घर के अंदर एक पलंग पर रखा गया था। परिजन लोगों से बताते रहे, विमलेश कोमा में है। मगर एक दिन पहले आयकर विभाग द्वारा जांच के लिए कानपुर के सीएमओ कार्यालय को एक पत्र भेजा गया, तो आज पूरे मामले का खुलासा हुआ। आसपास के लोगों को जैसे ही ये जानकारी हुई तो वे जानकर हैरान रह गए। पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिवार उसे शव मानने से इनकार कर रहा है और इस बात पर अड़ रहा है कि वे अब भी जिंदा हैं। परिवार अब भी मानने को तैयार नहीं कि अब उनके बीच में वे नहीं रहे और उसे शव मानने को वे तैयार नहीं हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस वहां पर पहुंची है। मामले को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताइए। और ऐसी तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।